हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी। इसके लिए हमने प्याज को बारीक काट लिया है, आलू हमने उबला हुआ ले लिया है और ये हमने हरा मटर ले लिया है और इसमें हमने हरी मिर्च को भी काट लिया है, लहसुन ले लिया है, टमाटर ले लिया है। ये हमने सारी चीज़ें ले ली हैं और मिक्सर बाउल ले लिया है। उसमें हम डालेंगे लहसुन, हमने छील के रखा हुआ था वो हमने डाल दिया, एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है और इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और इसे हम बारीक करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमने बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमने कढ़ाई गैस चूल्हे पर रख दी है और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें हमने डाल दिया है, कलर के लिए आता है दाल, इसको बोलते हैं कलर की लकड़ी होती है, तो वो हमने तेल के अंदर डाल दिया है ताकि जो सब्ज़ी का कलर है वो बहुत अच्छा आए। और इसे हम इस तरह से रतन जोत बोलते हैं इसको, इस तरह से करके इसे हम निकाल देंगे जो लकड़ी ऐसा है, इसे सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आता है। ये हमने गरम मसाला और ये राई डाल दी है, हमने गरम मसाले कूट को डालेंगे और ये हमने जीरा डाल दिया है, राई डाल दिया है इसमें। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे हम हरी मिर्च को और प्याज को भी भून लेंगे, इसको हल्का सा ब्राउन हो जाए इसे हम चला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे बारीक जो टमाटर, लहसुन, टमाटर, प्याज ये सब पीस के रखा हुआ था मैंने, वो इसके अंदर हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है पेस्ट को और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और मसाले को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है, जितना आप मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छी आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी। और इसमें हमने खड़ा गरम मसाला था उसे कूट लिया है, वो हमने ऊपर से इसमें डाल दिया है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है सब्ज़ी के कलर के लिए और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आपको जितना नमक चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हमने इसमें दो चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और इसे भी हमने मिक्स कर लिया है, एक ही चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इसे हम मसाले को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। और इसमें हमने थोड़ा जो मिक्सर बाउल में मसाला लगा हुआ था उसमें हमने पानी डाल के इस मसाले के अंदर डाल दिया है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चा ना लगे। अब इसमें हमने एक टमाटर और बचा था वो हमने इसे ऊपर से ही डाल दिया है। उबले हुए आलू में टमाटर जाहिर डालें तो उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और टमाटर भी हमने ढक दिया है और वो भी हम गला लेंगे। और टमाटर भी देखिए अच्छे तरीके से गल गया है और इसमें हमने मटर को डाल दिया है, ये हरा मटर ले रखा था, और मसाले के साथ इस हरे मटर को भी हम भून लेंगे। और इसे हमने मटर को भून लिया है, मटर को हम ढक देंगे। ढकने के बाद इसे हम खोल के देखेंगे और मटर हमारा आधे से ज़्यादा पक गया है क्योंकि इसमें बॉयल आलू डालना है। अब आलू को भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप हमारे तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाए, बहुत टेस्टी बनेगी। मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसमें हम
ढक देंगे ताकि जो मटर आलू मसाला एक साथ अच्छे से भुन जाए, मसाले की तरह आलू में मसाला अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। और मिक्स कर लिया है और इसमें हम बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। या फिर आपको सूखा बनाना हो तो आप सूखा भी बना सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे भी हम, क्योंकि पानी थोड़ा सा व्यस्त रहेगा, फिर उसके बाद जब आलू ठंडा होता है तो पानी सोख लेता है, तो इसलिए हमने आलू मटर की सब्ज़ी में इतना पानी डाला है। और इसे भी हम ढक देंगे और ढकने के बाद एक से दो मिनट के बाद इसे खोल के देखेंगे और ये हमारे आलू मटर की सब्ज़ी तैयार होने वाली है, या तैयार भी हो गई है और ये पक गई है। अब इसे हम गैस चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे, फिर बंद करने के बाद इसे हम उतार देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है और इसे हमने दूसरे प्लेट में निकाल दिया है। ये हमारे आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी तैयार हो गई, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इसे आप एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बना कर देखें, इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी किस किस को अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है, मटर किसका फेवरेट है, ये हमें कमेंट में करके बताइएगा। चलिए, वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।